हेलो स्टूडेंट मैं प्रेमसाल आज से हम आपको प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे इसके अंदर जितने भी टॉपिक आएंगे सभी के बारे में चर्चा करेंगे तथा जो आईसीआर के द्वारा सिलेबस निर्धारित की गई है उसी के अनुसार लेक्चर दी जाएगी आज हम फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बताएंगे जिसका सब्जेक्ट कोड ए है सबसे पहले हम प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है उसे जानेंगे तथा सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन प्लांट पैथोलॉजी के इंट्रोडक्शन देंगे उस इंपॉर्टेंट और प्लांट डिजीज के बारे में बताएंगे उसके स्कोप क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं प्लांट पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर बोटेनिकल और बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कॉजेज इटियोलॉजी रिजल्टिंग लूजेज एंड मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज इसका मतलब ये होता है कि प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर बोटेनिकल का ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी भी डिजीज के कॉजेज इटियोलॉजी रिजल्टिंग लूजेज और उस डिजीज को किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे या कंट्रोल करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं दूसरा इसका डेफिनेशन ये भी हम दे सकते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी इज द साइंस डेट स्टडी द कॉजेज और प्लांट डिजीज द मेकेनिज्म बाई विच डिजीज डेवलप इन इंडिविजुअल प्लांट्स एंड इन प्लांट पॉपुलेशन एंड द वे एंड मीन्स बाई विच प्लांट डिजीज कैन बी मैनेज और कंट्रोल इसका मतलब ये होता है कि प्लांट पैथोलॉजी एक साइंस है जिसके अंतर्गत हम प्लांट डिजीज का क्या कारण है उसके बारे में पढ़ते हैं उसका मेकेनिज्म क्या है डिजीज किस तरह डेवलप होती है किसी इंडिविजुअल में या प्लांट्स पॉपुलेशन में तथा हम इस डिजीज़ को किस तरह से कंट्रोल करेंगे और मैनेज करेंगे इसके बारे में जन पढ़ते हैं दूसरा हालांकि प्लांट पैथोलॉजी जो टर्म है ये कहाँ से ली गई है ये कौन से लैंग्वेज से ली गई है इसके बारे में भी हमें जानने की ज़रूरत है तो सबसे पहले ये ग्रीक वर्ड है तथा ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है जिस जो तीन वर्डों से मिलकर प्लांट पैथोलॉजी शब्द बना हुआ है इसको हम फाइटो पैथोलॉजी भी कहते हैं अगर हम इसको तीन सेपरेट वर्ड में करें तो फाइटोन पैथोस लोगस होता है जिसका मतलब फाइटोन यानी प्लांट पैथोस यानी सफरिंग एंड लोगस स्टडी द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज या प्लांट सफरिंग एलिमेंट्स कहते हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लांट पैथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया भारतीय भारतीय पैथोलॉजिस्ट जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे उनके बारे में तो सबसे पहले हम फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया जिसे कहते हैं वो है ईजे बटलर उन उनको हालांकि ऐसा क्या था कि उन्हें ही हम लोग फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया कहते हैं सबसे पहली बार प्लांट पैथोलॉजिस्ट इन इंडिया ईजे बटलर ही थे उ, उन्होंने एक बुक लिखा था फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स तथा इसीलिए उन्हें हम प्लांट आ, पैथोलॉजी के पिता या जनक कहते हैं भारतीय है। उसके बाद डी डी एंड ए बारकले जो स्टार्टेड स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंजाई वो स्टार्ट किए थे पढ़, आ, फंजाई के बारे में पढ़ना और उसको पहचानना उसके बाद एक और पैथोलॉजिस्ट थे जे एफ दस्तूर जो एटीन एटी सिक्स से नाइनटीन सेवेंटी वन तक थे वो फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया था कैस्टर एंड पोटैटो डिजीज कॉज फाइटो फाइटोपथोरा पैथोरा उनके उसके ऊपर उसके बाद हम जानेंगे कि व्हाट इज़ प्लांट डिजीज प्लांट डिजीज क्या होता है तो विजिबल इफेक्ट ऑफ डिजीज ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्टम्स कोई भी डिजीज किसी भी प्लांट्स पर अगर लगती है तो उससे पहले उसके अंदर कुछ ना कुछ इफेक्ट होते हैं कुछ लक्षण दिखाई देते उसे सिम्टम्स कहते हैं एनी डिटेक्टेबल चेंजेज इन कलर सेप एंड और फंक्शंस ऑफ द प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ए पैथोजेन और डिजीज कॉजिंग एजेंट इज ए सिम्टम्स अगर हम देखें तो किसी भी प्लांट में अगर कोई डिजीज लगती है तो उसे पहले उस प्लांट्स की या तो शेप में कोई चेंजेज आ सकती है या कलर में कुछ आ सकती है या फंक्शन उसका जो फंक्शन है प्लांट्स का उसमें भी चेंजेज आते हैं तो और वो किस तरह से रिस्पॉन्स टू ए पैथोजन और डिजीज कॉजिंग एजेंट वो किस तरह से पैथोजन के साथ रिस्पॉन्स करते हैं या कौन से एजेंट डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो सब सिम्टम्स का साथ दूसरा साइंस साइन ऑफ प्लांट डिजीज आर फिजिकल एविडेंस ऑफ द पैथोजन साइन जो होते हैं वो भी होते है, किसी भी डिजीज को फिजिकली एविडेंस होते हैं किसी भी डिजीज़ का फिजिकली एविडेंस होते हैं और पैथोजेन के लिए फॉर एग्जाम्पल फंगल फ्रीटिंग बॉडीज बैक्टेरियल ओजो और नेमेटोड सिस्ट साइन ऑल्सो कैन हेल्प विथ प्लांट डिजीज आइडेंटिफिकेशन साइन हमें मदद करते हैं किसी भी प्लांट में अगर कोई डिजीज लगी है तो उसको पहचानने में उसके बाद हम स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे अब हम अब हम स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बारे में जानेंगे तो स्कोप क्या है सबसे पहले तो हम सर्वे ऑफ़ फील्ड फील्ड का सर्वे करेंगे या बगीचे का सर्वे करेंगे या एरिया जो, एरिया का सर्वे करते हैं जो एरिया डिजीज से इफेक्टेड हो या उसे जहाँ पे पूरे एरिया इफेक्टेड हो उसका सर्वे करते हैं उसके बाद एक रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं जिसमें नए नए डिजीज़ के बारे में जानकारी रहती है तथा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस उसे डिजीज़ का क्या है उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं और तथा उसको किस तरह से हम उससे प्रिवेंट बच सकते हैं या उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं यही स्कोप है प्लांट पैथोलॉजी का उसके बाद हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लांट डिजीज हालांकि किसी भी डिजीज़ या प्लांट डिजीज लगती है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए तो प्लांट डिजीज कॉज बाई माइक्रोग हम जानते हैं कि प्लांट डिजीज जो भी कॉज होते हैं वो माइक्रो और के द्वारा होते हैं और हम हमें ये भी जानना चाहिए कि ह्यूमेंस और प्लांट प्लांट डिजीज केवल प्लांट्स को ही इफेक्ट नहीं करते ह्यूमंस को भी करते हैं एनिमल्स को भी करते हैं क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स जो हमें कि हमें ज़रूरत है लगभग हमें प्लांट्स से ही मिलती है जैसे फूड हो गए क्लोथिंग हो गए फर्नीचर हो गए और हाउसिंग हो गए ये सब तो अगर हम कोई भी प्लांट्स डिजीज से अफेक्टेड है और वो पूर्ण तरह से अफेक्टेड है तो फिर हम वो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ते हैं उसके बाद दूसरा मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टिल डिपेंड ऑन देयर ओन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑफ देयर सर्वाइवल मिलियंस ऑफ पीपल्स डिपेंड रहते हैं प्ला, प्लांट्स के ऊपर उसके प्र, प्र, प्रोडक्शन प्र, उससे जो प्रोडक्ट मिलता है उसके ऊपर अपने सर्वाइव के लिए प्लांट डिजीज डिजी रिड्यूस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्लांट जब किसी भी प्लांट में अगर डिजीज लग जाती है तो उससे जो भी प्रोडक्ट से तैयार होते हैं उसके क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रिड्यूस हो जाते हैं एग्जाम्पल के लिए वीट बर्न कॉज्ड बाई टिलेटिया स्पीसीज जैसे जब वीट बर्न होते हैं तो उससे भी हम ये देखने को मिलता है कि उससे प्राइज इंक्रीज हो जाते हैं जो जो कि कंज्यूमर के लिए थोड़ा वो महंगा पड़ता है उसके बाद रिजल्ट इन सेवरल पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड एनिमल डेट इट द उसके बाद आ, ये भी देखने को मिलता है कि जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं या जो ह्यूमन से उस प्लांट्स पे डिपेंडेबल होते हैं उनको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ता खमियाजा भुगतना पड़ता है और इसी तरह और है। जैसे ब्यूटी ऑफ इन्वायरमेंट बाई डैमेजिंग प्लांट्स अराउंड होम पार्क स्ट्रीट्स एंड फॉरेस्ट ये अगर डिजीज को जो होते हैं डिजीज लगते हैं किसी भी प्लांट से या किसी भी प्लांट्स पॉपुलेशन प्लांट 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 में तो उससे इन्वामेंट भी अफेक्ट होता है अराउंड जो हम प्लांट्स को अपने घर के आसपास लगाए रहते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं होते हैं पार्क स्ट्रीट और फॉरेस्ट भी उससे अफेक्ट होते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हालांकि उद्देश्य किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए कुछ उद्देश्य होना चाहिए जिसके कारण हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव यह है टू स्टडी द बायोटिक ए बायोटिक इन्वामेंटल कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज मतलब हम किसी भी प्लांट डिजीज़ के कॉजेज क्या है इन्वायरमेंटल कॉलेज है या बायोटिक कोजेज है या ए बायोटिक कॉलेज हैं उसके बारे में पढ़ते हैं दूसरा टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट किसी भी प्लांट में अगर डिजीज का डेवलपमेंट होता है तो उसका मैकेनिज्म क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं तीसरा टू स्टडी द इंटरेक्सन बिटवीन प्लांट एंड पैथोजन प्लांट और पैथोजन के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं टू डेवलप द मेथड ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट और कंट्रोल और चौथा ये है कि हम किसी भी प्लांट डिजीज को किस मेथड के द्वारा मैनेजमेंट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं या उसको समाप्त कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं धन्यवाद